दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान करने को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे थे, वर्तमान में सेवा से बाहर हैं, लेकिन उनको मार्च से लेकर अभी तक का मानदेय का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। इसको लेकर तमाम अतिथि शिक्षक, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी काम इसी आशा में करता है कि उसके परिवार का भरण पोषण उससे मिलने वाली जो मजदूरी है, वेतन है, उससे राशि जो मिलेगी उसी से होगा। लेकिन जब वह वेतन चार चार पांच पांच महीने मिलता ही नहीं है, तो अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह कर पा रहा होगा। चलिए कंप्लीट अपडेट पर आपको कंप्लीट जानकारी बताते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था या कहीं पर भी काम करता है इस उम्मीद में कि उस काम के एवज में उसको जो मजदूरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा, वेतन मिलेगा, वह उसके परिवार के भरण पोषण के काम में आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग इन अतिथि शिक्षकों को काम तो लेता है इनसे, लेकिन इनको इनकी मजदूरी देने के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही वर्तमान में हो रहा है। अतिथि शिक्षकों की लंबित वेतन को शीघ्र भुगतान करने को लेकर लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को वेतन की, अपने मेहनताने की, अपने मानदेय की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वह सेवा से वर्तमान में बाहर हैं। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ जिला इकाई पन्ना के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र गर्ग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अतिथि शिक्षकों की लंबित मानदेय के शीघ्र भुगतान की मांग की है। श्री गर्ग ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों एवं संकुल के प्राचार्य से मांग किया है कि अतिथि शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। समूचे पन्ना जिला के, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यही हाल है। अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों की भांति संपूर्ण समर्पण भाव से जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूलों एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अल्प मानदेय वाले इन अतिथि शिक्षकों को मार्च अप्रैल महीने का मानदेय अभी तक लंबित है, यानी उनको भुगतान नहीं किया गया है। मई का महीना भी खत्म हो रहा है और अभी तक कोई भी डीपीआई की तरफ से इनके लिए आवंटन की राशि जारी नहीं की गई है। वहीं बताया जाता है कि बजट नहीं है। जब अधिकारियों के पास यह जाते हैं अपनी विनती लेकर, तो उनको बताया जाता है कि बजट नहीं, हम क्या कर सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अतिथि शिक्षकों के वेतन वृद्धि एवं महीने की एक तारीख से लेकर पाँच तारीख के अंदर भुगतान करने की बात राजधानी भोपाल में 2 सितंबर 2023 को महापंचायत बुला करके कही थी, लेकिन मार्च अप्रैल माह से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश भर में लोगों की हर विभाग से संबंधित समस्याओं को सुनने एवं उनके निराकरण के लिए 181 की सेवा सीएम हेल्पलाइन के नाम से शुरू की गई थी, लेकिन श्री गर्ग ने कहा कि मार्च अप्रैल का मानदेय शीघ्र 5 दिवस के अंदर यहां पर होना चाहिए। नहीं तो उन्होंने यह भी कहा कि भुगतान अगर नहीं होता है तो पन्ना जिला के सभी अतिथि शिक्षक एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं खबर के माध्यम से कि किस प्रकार से जो सीएम हेल्पलाइन है वहां पर भी अतिथि शिक्षकों की इस तरह की शिकायत करने से इनका कोई निराकरण नहीं हो रहा। अब बड़ा सवाल है, इन अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगातार पूछा जाता है कि यह जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अब आपको तारीख यहाँ पर डिसाइड करना है कि आगामी समय में आप एक साथ होकर इस मुद्दे को आगे पहुँचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।